Yeah, students, how are you? I am also fine. तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे मल्टीप्लीकेशन के बारे में ना। तो मल्टीप्लीकेशन में अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ये एक्सरसाइज 12, ठीक है। तो इसमें है टू डिजिट का मल्टीप्लाई है, लेते हैं पहले 1 का ये, ठीक है। 22 × 13, ठीक है। और इसको हम लोग 22 × ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और इस तरह से लिख करके हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 2 × 3 = 6 हो गया, 2 × 3 = 6 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, 1 डिजिट खत्म हो गया, सेकंड डिजिट इसके नीचे क्रॉस कर दो, ठीक है। फिर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 × 2, फिर ये भी 2 × 2 हो गया। और इसको क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, यहाँ पर 6 × 6 = 8 और ये 2 है। इसी तरह बन जाएगा। चलो एक नंबर और देखते हैं, बहुत ही इजी है सर, कोई हार्ड नहीं है। और क्या नंबर 99 × 8, तो 1 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे तो 9 होगा, फिर ये भी 9 होगा। फिर सेकंड नंबर्स करेंगे तो यहाँ क्रॉस कर देंगे, फिर 1 से करेंगे ये 9 होगा, फिर ये 9 बन गया 9 9 9 18 और ये हो गया। बहुत ही आसान है, ये डिजिट से मल्टीप्लाई है और इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद भी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 में 3 डिजिट है, देखते हैं 2 नंबर, ये 2 हो गया, 1 × 2 × 33, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इसे लिख सकते हैं 33, है ना। तो अब ये हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम 2 और 3 पढ़ते हैं, 2 × 3 = 6 हो गया, और इसको इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, और 3 × 1 = 3 हो गया। 1 डिजिट से कंप्लीट हो गया, इसीलिए हम क्रॉस कर देते हैं। फिर इसको यहाँ से करते हैं 2 × 3 = 6, 0 से करेंगे मल्टीप्लाई 0 होगा, फिर 3 × 1 =, है ना, यह प्लस कर देते हैं, हो गया 6, यहाँ हो गया 3 × 3 = 363, ठीक है। अब 2 नंबर का भी देखते हैं, आई नंबर, आई नंबर है 4 × 12, ठीक है। ये 4 × 0 और यहाँ मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। इसको भी 2 से टेबल करना है, 2 × 8, 2 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको भी यहाँ करेंगे तो 0, ये भी यहाँ पर हो गया 8 ना। फिर आप सेकेंड नंबर से करते हैं या क्रॉस कर देंगे, 1 × 4 = 4 0 0 4, फिर इसको प्लस कर 8 × 4 = 8 4, हो गया। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई बन जाता है, ठीक है। 3 का भी 2 डिजिट है, ये भी उसी तरह से बन जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस
टेबल को याद करना है और टेबल को देखते हुए ही ये सभी सॉल्व होगा, है ना। हम लोगों को टेबल जाना जरूरी है, कम से कम 2 से लेकर 20 तक का टेबल याद कर ले, ठीक है, और सब फिर आसानी से बनेगा। चलो अब से हम आगे देखते हैं, आप चेंज नंबर से भी देख लेते हैं, और ये 4 5 20 और 1 21 हो गया, या प्लस कर देते हैं 3 हो गया 9, ये 1 ये 2 1 93, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं F नंबर 98 ये हो गया 98 x 76, ठीक है। तो कितना हो गया 8 7 56 होता है 5 हो गया ना, और ये कितना होता है 7 9 63 63 में प्लस करते हैं 5 तो 8 हो गया, है ना। आप भी सेम होगा क्योंकि यहाँ भी 7 यहाँ भी 7 है, यहाँ होगा 6 यहाँ 8 और यहाँ पर 6, ये 6 हो गया, 8 6 कितना हो गया 14 हो गया, यहाँ पे 14 1 15 ये हो गया 7546, ठीक है। तो ये इस तरह से ये मल्टीप्लाई को लगाना है और फिर सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। आप 4 5 6 2 34, ये 4 हो गया 5 6 2 34 हो गया, है ना। अब यहाँ से हम लोग करते हैं इसको, ठीक है, 6 4 24 ये 2 हो गया, 4 5 20 और 2 22, तो ये 2 हो गया, 4 4 16 16 हो गया 2 18, ये यहाँ क्रॉस कर दो, ठीक है। अब यहाँ से फिर देखते हैं इसको, 3 6 18 या 1 हो गया, है ना। यहाँ पर 3 5 15 और 1 16, फिर ये 1 हो गया, 3 4 12 1 30, ये 4 हो गया 10 हो गया, ये हो गया 5 1 हो गया, है ना, 15504, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ तुमको टेबल को जानना होगा। अगर तुम टेबल ठीक से जान रहा है तो सभी क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीप्लाई है 1 2 3 5 बाय 38, है ना। ये हो गया 1 2 3 5 इंटू 38, ठीक है। अब इसको यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, 8
फाइल, एक फाइल जब पढ़ती हो गया जीरो लिख देंगे आपको, और ये करना हो गया एक थ्रीजा 34 और 4 28 हो गया, ये 2 हो गया है ना। फिर ये 8 2 16 17 18, फिर ये 1 हो गया 8 1 8 और 1 हो गया, ये 4 हो जाएगा है ना। आप फिर क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से करेंगे 3 5 15 या 5 हो गया, ये 1 हो गया, 3 3 9 1 10 हो गया, ये 0 हो गया या 1 हो गया, 2 3 6 1 7 हो गया, और फिर ये 3 1 0 हो गया। तो इसी प्रकार से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ टेबल जानना चाहिए, अगर टेबल सही है तो सब सॉल्व हो जाएगा। और फिर हम लोग एक्सरसाइज 13 अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।